हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को शोले जैसी फिल्म देने वाले रमेश सिप्पी एक दिग्गज फिल्म मेकर माने जाते हैं। 23 जनवरी 1947 को रमेश सिप्पी का जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ था। रमेश सिप्पी मशहूर प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी के बेटे हैं। रमेश सिप्पी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में पूरी की और फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में काम करने का मन बना लिया। रमेश ने साल 1975 में फिल्म शोले बनाकर फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास रच दिया था। आपको बता दें कि शोले बनाने के लिए रमेश सिप्पी के पास बजट नहीं था। उन्होंने अपने पिता जीपी सिप्पी से पैसे मांगे थे। उन्होंने रमेश की मदद की। शोले बनाने में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। स्टार कास्ट की फीस तो 20 लाख में ही हो गई थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ। शोले बनाने में उन्हें पूरे 3 साल लगे थे। फिल्म में सबसे मशहूर रोल गब्बर सिंह का किरदार सबसे पहले डेनी डिज़नगोपा को मिला था, लेकिन तारीख नहीं मिल पाने की वजह से अमजद खान को फिल्म के लिए कास्ट किया गया। शोले एक ऐसी फिल्म है जिसे आज के युवा भी देखते हैं। शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले रमेश सिप्पी ने फिल्म इंडस्ट्री को कई और बेहतरीन फिल्में भी दी हैं। हाल ही में रमेश सिप्पी ने शिमला मिर्च फिल्म बनाई थी। 1971 में आई फिल्म अंदाज में निर्देशक का काम करने से पहले रमेश 7 साल तक असिस्टेंट का काम करते रहे। उनकी दूसरी फिल्म थी सीता और गीता, जिसमें हेमा मालिनी ने डबल रोल प्ले किया था। ये पहली फीमेल लीड मूवी थी और उस दौर में कोई ऐसी फिल्म बनाना बड़ी बात हुआ करती थी जिसमें हीरोइन लीड रोल में हो। रमेश सिप्पी ने अंदाज, सीता और गीता, शोले, शान, शक्ति, सागर, जमीन, भ्रष्टाचार, जमाना दीवाना और टीवी सीरियल बुनियाद का डायरेक्शन किया। वहीं बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने ब्रह्मचारी, कुछ ना कहो, ब्लफ मास्टर, टैक्सी नंबर 9211, चांदनी चौक टू चाइना, नौटंकी साला, सोनाली केबल जैसी फिल्में बनाई। रमेश सिप्पी की निजी जिंदगी की बात करें तो पहली पत्नी गीता से तलाक लेने के बाद रमेश सिप्पी ने एक्ट्रेस किरण जुनेजा से शादी की। बता दें कि किरण ने महाभारत सीरियल के अलावा बॉलीवुड के कई फिल्मों में काम किया। महाभारत में वो गंगा के रोल में थी। इसके अलावा मुजरिम, बंटी और बबली और जब भी मैं जैसी फिल्मों में उन्होंने भी काम किया। किरण जुनेजा से रमेश की उनकी कोई संतान नहीं है। रमेश की पहली पत्नी गीता से उन्हें 2 बच्चे हैं, बेटा रोहन सिप्पी और बेटी शीना सिप्पी। शीना की शादी शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। रोहन सिप्पी जाने माने डायरेक्टर हैं और अब पिता की विरासत वही संभाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।